हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दिस इज दीपक कलमकांड और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सुनने वाले हैं लोगन का ड्रिल। उसके पहले भाई यहाँ पे एक बार देखो, ये जो मेरा यहाँ पे ना राइट साइड में जो दिख रहा है, पाकिस्तान सेलिब्रेट USD बिल 2 बिलियन फ्रॉम सऊदी अरबिया। तो यहाँ थंबनेल में लिखा हुआ है सऊदी अरब से मिली भीख, पाकिस्तान खुशी से पागल। तो भाई ये मेजर गौरव आर्या सर हैं जो इसमें रोज़ सुनता हूँ और ये रोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं एंड ही टॉक्स अबाउट डिफरेंट इशूज मोस्टली पाकिस्तान। मज़ा आता है सुनने में यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। आप एक बार चेक करना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको बस मज़ा आएगा। तो गाइस ये गाना आया था एक दिन पहले, ठीक है, बहुत ही फ्रेश ट्रैक है, 2.7 के व्यूज़ भी हो गए। बा भाई चलो गाना सुनते हैं हम। ये कौन सा बॉल है? बास्केटबॉल है ना। कभी कभी क्या होता है, एक वो था ना गाना होसा कीसा की, संजय दत्त जो चाकू चलाते हैं, तो उस गाने के लिए उन्होंने वो चाकू चलाना सीखा था। तो आर्टिस्ट या तो ये पहले से ही ना ही इज़ वेरी गुड विद दिस थिंग, क्या बोलती है जो घुमा रहे हैं, या फिर इस वीडियो के लिए खास करके इन्होंने सीखा होगा, हू नोस। बट बढ़िया अच्छा लग रहा है लोगन। कॉम्प्लीमेंटिंग मेरी ट्रिप, नहीं नार्सिसिस्ट बट ट्रूली मेरी स्किल इज लिक। ये पीरियड ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोइंग टू किल। वॉइस ये स्ट्रेट पर गाने की वाइब रखा चिल, है क्लीन ये मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग। ठीक है वापस सुनते एक बार। हाँ एक चीज मैं बोल दूं कि वीडियो इसमें बहुत ही बढ़िया, अभी तक जो भी देखा वो इंडोर ही था, बहुत बढ़िया शूट किया। और इंडोर करने पता है बैंड बजा, लाइट्स वाइट प्रॉपर लाइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अब जो शूट करते हैं उन्हें नहीं पता है। बट मैं शाउट आउट देना चाहूंगा भाई जिस वीडियो शूट करी है। ये बी ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोइंग टू किल। देखिए आगाज की मैं अभी ड्रिल पे किल करने वाला हूँ। ऑलराइट देखो एडिटिंग स्किल्स भी काफी अच्छी इसमें यूज की गई है। ठीक है ये स्क्रीन पे पता आप वो आर्टिस्ट आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं, का ब्रेसलेट है वॉइस ये स्क्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल। वॉइस श्रिल है बट गाने की वाइब चिल रखी है। ठीक है I'm going to kill है वॉइस ये श्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल, है क्लीन ये मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग मी। ठीक है कॉम्प्लीमेंटिंग मेरे है क्लीन ये मिक्स। ठीक है मिक्स मास्टरिंग भाई यही करते हैं आर्टिस्ट ही अपने करते हैं। ओके मिक्स मास्टरिंग लोगन 03। ठीक है मिक्स अ क्लीन और कॉम्प्लीमेंटिंग मेरे ड्रिप। ठीक है इसमें काफ़ी सारे प्रॉप्स यूज किए गए हैं, इसमें ड्रिप भी है जो दिखाने और देखने लायक है। नहीं नार्सिसिस्ट बट ट्रूली मेरी स्किल इज लिक। लोग बोले बहुत पर सुना ना, गाने लिखते लिखते सोया ना, आंख दिखती लाल पर सोबर हाँ, निकिया नशा और हर जगह है 100 दफा बज। हाँ आंखें लाल इसका मतलब ये नहीं कि नशा किया मैंने, मेरे भी गाने की एक लाइन है आंखें मेरी लाल जैसे नशा किया बहुत, आंखें मेरी लाल जैसे नशा किया बहुत। दैट्स व्हाट ही सेइंग, आई ट्रूली अप्रिशिएट दोज आर्टिस्ट जो नशे के बारे में नो हु टॉक यू नो लाइक जो इसके खिलाफ खड़े होते हैं। बहुत लोग तो हैं कि भाई नशा करते हैं, ठीक है आप करते हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप दैट इज योर विश। लेकिन कोई छोटा बच्चा आपको देख के सीखेगा सो वो यू नो आपको अपना आइडल मानेगा, तो वो भी ये चीज़ें करने की कोशिश करेगा, सो इससे समाज में गलत मैसेज आता। सो आई ट्रूली रिस्पेक्ट दोज आर्टिस्ट जो इन सब चीज़ों के खिलाफ बातें करते खड़े होते हैं।
खरीदती लाल पर सोबर हाँ निकिया नशा और हर जगह है सौ दफा बजने का इरादा मेरा ये साल और अगला साल और आगे भी नाम लिखाना दिखाना बन कर आना उनका मुंह जो बोले ये नहीं कर पा रहा आते ने व्यूज पे रुक जब आगे ठीक है लोग बोले बहुत पर सुना ना गाने लिखते लिखते सोया ना आखिर ठीक है लोगों ने बहुत बोला मैं सुनता नहीं था ठीक है दिल लाल पर सोबर हां निकिया ना आते लाल पर सोबर हां और हर जगह है सौ दफा बजने का इरादा हर जगह सौ दफा बजने का इरादा हर जगह सौ दफा तो देखो कैसे सेंटेंस को ना लाइक शब्दों को कैसे अरेंज किया गया है हर दफा हर जगह सौ दफा बजने का इरादा ये मुझे अच्छा लगा वैसे यूजुअली ये सेंटेंस होगा होता कैसे है कहता वो हर जगह बजने का इरादा सौ दफा है ना ऐसे कुछ बट सेंटेंस में जो ना लाइक जो किया है जो अरेंजमेंट मल्टाइज जो मल्टी राइम्स है उसमें निखार आया ना वो अच्छा अच्छा हो गया निकिया नशा और हर जगह है सौ दफा बजने का इरादा मेरा ये साल और अगला साल और आगे भी नाम लिखाना दिखाना बन कर आना उनका मुंह जो बोले ये नहीं कर पा रहा सर झुकवा रहा आते ने व्यूज पे रुक जब आगे जा रहा क्यों रिलेटेबल चीजें हैं जो आम लड़का मेरे और आपके जैसा लड़का आदमी मेरे को तो लोग लड़का मानते ही नहीं मेरे को अंकल बोलते हैं ठीक है कहने का मतलब कि जो आम यू नो जो आम लोग हैं ये उनकी कहानी है रिलेटेबल चीज़ें हैं आर्टिस्ट ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं जो एकदम कल्पनाओं से पर जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होती है ना एकदम जो अपने पहुंच से बाहर की चीज़ें होती हैं हम रिलेट नहीं कर पाते हैं तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट रिलेटेबल थिंग्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट हिज ओन जर्नी जो लोग बातें करते हैं ना अपने बारे में लाइक अपने पीठ पीछे उनको चुप कराने का इरादा है तो आप हु विल नॉट रिलेट टू दिस पारा सर झुकवारा आते ने व्यूज पे रुक जब आगे जा रहा क्यों पुकारा लोगन वी लव यू भाग बे अब हुकारा है दोबारा करना है वाइब तो सुन ले कि ये पीरियड ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोइंग करना है वाइब तो सुन ले कि ये पीरियड ड्रिल आते ने व्यूज पे रुक जब आगे जा रहा क्यों पुकारा लोगन वी लव यू भाग बे अब हुकारा है दोबारा करना देखो भाई लाइफ में ये कॉन्फिडेंस चाहिए जब आर्टिस्ट ने कहा कि ये साल मेरा अगला साल भी मेरा अच्छा है आप जब यू नो कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे ये चीज़ तो और आप में ना कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए हाँ वी हैव टू मेक श्योर दैट वो ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए और आर्टिस्ट जो बोल रहा ना कि ये साल मेरा अगला साल भी मेरा ये इसने लिटरली काम किया है अरे गाने फेंकते रहते हैं गाने एक के बाद एक गाने हाँ तो आई रियली अप्रिशिएट नो ही इज टॉकिंग फैक्ट्स ये पीर है ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोइंग टू किल है वॉइस ये श्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल है क्लीन ये मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग मेरी ड्रिप नहीं नार्सिसिस्ट बट ट्रूली मेरी स्किल है स्लिक ये पीर है ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोइंग टू किल है वॉइस ये श्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल है क्लीन ये मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग मेरी ड्रिप नहीं नार्सिसिस्ट बट ट्रूली मेरी स्किल है स्लिक हाँ ऐसा नहीं कि मिलता नहीं सपोर्ट और मैं बैठा हूँ अकेला मेरे पास नहीं कोई दोस्त मेरे साथ मेरे ब्रोस दे पुश मी टू द थ्रोन करना कैप्चर है ये सीन बस इतना मेरा ड्रीम है चारों नहीं दिन चारों नहीं शाम हर टाइम बहुत अच्छा आपके साथ जो खड़े हैं साथ दिए साथ खड़े जो भी मेरे भाई की दुआ मेरी स्याही ठीक है तो वही बात है आर्टिस्ट शाउट आउट दे रहे हैं जो इनके दोस्त जो इनके ब्रोस जो इनके साथ जो इनको सपोर्ट कर रहा है और ये नहीं बोल रहा कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे पास दोस्त नहीं है फ्रेंड्स नहीं मुझे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं मेरे पास करते हैं और बहुत लोग शिकायत करते हैं कि मेरे मुझे कोई नहीं करता ये वो देखो सबकी अपनी अलग अलग कहानी होती है अब ये आपके भी ना अगर एक एंगल से देखा जाए तो ये आपके ऊपर भी होता है कि आपने अपना फ्रेंड सर्कल कैसा चूज़ किया है आप उसमें कैसे थे वॉट रोल हैव यू प्लेड इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप या फिर किसी के दूसरे दूसरे के जिंदगी में आप अच्छा करो तो मतलब कहने का मतलब कि देखो फ्रेंड्स बनाने से बनते हैं यही कहने का मतलब है सो ही हैज अर्न फ्रेंडशिप एंड इज एंजॉयिंग इट चल है ये सीन बस इतना मेरा ड्रीम है चारों नहीं दिन चारों नहीं शाम हर टाइम करता मैं अदर काम नो टाइम टू वेस्ट मेरी जान जब मूड हो डंबल जय श्री राम जय श्री राम बातें आंखें मेरी सब बयां कर जाती जब मूड हो डाउन जय श्री राम मूड है डाउन तो कुछ लोग नशा कर लेते हैं हाँ तो एक चीज़ देखो यार
आर्टिस्ट ना ही इज टॉकिंग पॉजिटिव थिंग्स. लाइफ की दो चैप्टर्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव. तो जो लोग खुद नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं उनके गानों में भी उनके राइटिंग में भी वो नेगेटिविटी ना झलकती है कि हाँ ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, चीज़ों से परेशान है. हाँ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वो गलत दिशा में जा रहा है, यानी नशा वशा कर रहा है. ठीक है, मैंने कई गाने मैंने सुने हैं कि जब मूड हो डाउन तो लोग कहते हैं कि हमने ये मार लिया वो मार लिया गांजा फूंक लिया. यहाँ पर बंदा कह रहा है कि मैं जय श्री राम कहता हूँ. सो अभी तक एक चीज़ समझ में आया है, ही इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी. श्री राम नहीं करता फालतू बातें, आंखें मेरी सब बयां कर जाते, गाने मेरे दिल से आते, फेक नहीं सब रियल, यहां पे रियल ही रखा सब, तभी डर ही नहीं है फ्यूचर का, आज किया मेहनत तभी दिखेगा रास्ता ऊपर का, जाकर ऊपर मंजिल को छूकर कब्जा करना टॉप की गद्दी, नाम मेरा हर जगह अच्छा है पास. आप ये भी देखो स्मूथ फ्लो स्विचेस हैं, मालूम नहीं पड़ रहा बट नो स्मूथ फ्लो स्विचेस है. मंजिल को छूकर कब्जा करना टॉप की गद्दी, नाम मेरा हर जगह अच्छा है पास, मेरे कोई आ ना पाए, ये पी रहा ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोना किल, है वॉइस ये स्ट्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल, है क्लीन ये मिक्स कॉम्प्लीमेंटिंग मेरी ड्रिप, नहीं नार्सिसिस्ट बट ट्रूली मेरी स्किल इज लिट, ये पी रहा ड्रिल दैट्स हाउ यू नो आई एम गोना किल, है वॉइस ये स्ट्रिल पर गाने की वाइब रखा चिल, linear mix complimenting mary trip nine narcissists were truly mary skill as lit. Rishi ne kiya direct bhai bahut badhiya kaam starring raman k2 alok sudhan. ये क्या है देसी मिनी मिनिमल्स, देसी मिनिमल्स क्या मतलब है क्या मतलब मुझे, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू देसी. गुड, देसी पना अपना रहना चाहिए. क्या बात कर लेते हैं गाने के बारे में ओवरऑल. जब गाना स्टार्ट हुआ, जब यू नो जब फर्स्ट टाइम जब हुक बजा तो मुझे लगा कि यार कुछ खास नहीं है. हा? जब दो बार बजा तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा. लास्ट टाइम तक जाते जाते ना हुक अच्छा लगने लगा और मेरे ना जहन में क्या बोलते हैं आत्मा में वो बैठने लगा, बस जाना ऐसा टाइप का. मैं एक चीज़ बोलता कि देखो ये ड्रिल ये मेरी कुर्सी की आवाज़ है भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा है, पोंपा पोंपा ये कुर्सी की आवाज़ है. तो मैं एक चीज़ अगर बोलता कि भाई ड्रिल है इस पर अग्रेशन और चाहिए था, ये मैं बिल्कुल बोलता, लेकिन आर्टिस्ट ने खुद ही बोल दिया कि आवाज़ श्रीक है एंड वाइब मैंने चिल रखी. स्मूथ फ्लो स्विचेस थे, वोकल टेक्सचर बंदे का सही है, मिक्सिंग मास्टरिंग खुद करता है और अच्छा बनाता है, बीट भी खुद से बनाता है. इतनी सारी चीज़ें ये इसके मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, बहुत ही बड़ी बात होती है कि आप खुद से इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो उसके बाद भी इतनी भयंकर वाली कंसिस्टेंसी. अलग अलग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता है. बट लोगन तुम्हारी अब तक ना जितने भी ट्रैक्स मैंने सुने हैं, पता विच वाइब सूट्स यू, ये ऑडियंस का एक लिसनर का ये फीडबैक है, ऑनेस्ट फीडबैक. बाकी सब चीज़ें करते रहो, तुम अच्छा करते हो, तो कौन सी वाइब तुम्हें ज़्यादा सबसे ज़्यादा सूट करती है, वो है लव. कुछ तुम गाने बनाते हो ना बहुत प्यारे गाने, सही है, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो. एंड इस गाने में प्रॉप्स बहुत सारे यूज़ किए गए हैं, अच्छे खासे प्रॉप्स, और उससे वीडियो इंगेजिंग बनती है. गाना अच्छा है ठीक है, लेकिन आपका गाना जब यूट्यूब पर है तो ऑडियंस की आंखों को भाई कुछ ना कुछ जो चलता हुआ मांगता है, ठीक है, इंगेज करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, ऑडियो भी, मतलब ऑडियो भी और वीडियो भी. सस्पेंस रहना चाहिए कि हाँ वीडियो में अगला क्या. एंड ये एक टीम वर्क है, हमेशा से लोगन खुद से चीज़ें करता आया है, मिक्सिंग मास्टरिंग बीट प्रोडक्शन ऑफकोर्स रैपिंग. वन मैन आर्मी था, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिला है, इस बार टीम वर्क देखने को मिला. बीट भी काफ़ी बढ़िया बनाई थी, मिक्सिंग मास्टरिंग का मैंने बोल ही दिया, और ये डे बाई डे जैसे ऐसे कर रहा है ये बीट यू नो मिक्सिंग मास्टरिंग स्किल्स है इसकी इम्प्रूव होती जा रही हैं, तो वोकल इम्प्रूव हो रहा है, जो टेक्निकल नॉलेज है वो इम्प्रूव हो रही है. एक सलाह और दूंगा, दिखाई हमारी अच्छी है, थोड़ा सा और ना इसमें भारीपन लाओ, थोड़ा सा और वजन लाओ,
बाकी यही मुझे कहना था। और गाइस गाने के लिंक एज ऑलवेज मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने इंस्टाग्राम व्हाट्सअप स्टेटस वगैरह पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर चेक करना और आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। और इसकी अगर आप चैनल पे जाओगे तो भाई बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गानों का मैंने रिव्यू किया, अपने इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर किया हुआ है। देखो 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 देखो, ही इज अनस्टॉपेबल, जैसे महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह अनस्टॉपेबल थे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, बस ही हिमसेल्फ कुड स्टॉप हिमसेल्फ। मुझे थोड़ी नॉलेज कम हो सकती है बट मैं किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूँ आई होप आप वो समझ पा रहे हो। तो इज अनस्टॉपेबल, ठीक है, एंड रिजल्ट भी मिल रहा है। देखो आप पहले के व्यूज़ देखो और अभी के व्यूज़ देखो, अगर आप जाओगे देखो यहाँ पे 141K 650 व्यूज़, तो भाई इम्प्रूवमेंट हर तरह से है यार, पहले भी अच्छे खासे थे। हाँ हाँ, कुछ कुछ वीडियोस जो अच्छा जो पिछले साल के के वन के नो होप ये सही किया है, तो देखो जो गाना अच्छा होगा वो चलेगा ही। चलो बस इतना ही, और लोगों का सपोर्ट करना आप, और एक बार फिर से पूरी टीम को शाउट आउट, वीडियो जो डायरेक्शन जो जिसने डायरेक्ट किया ऋषि, और एडिटिंग वाले भाई साहब को भाई बहुत बहुत तगड़ा काम किया। कभी मैं कलकत्ता आऊँगा तो तुमसे अपना वीडियो शूट करवाऊँगा और तुमसे एडिटिंग करवाऊँगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड यस आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर माई सेल्फ, आर्टिस्ट को सपोर्ट करो। हाँ चलो, टेक केयर, बाय बाय, नाइट, जय श्री राम, जय हिंद।